सभी को प्रेम वंदन। इस मीटिंग का लिंक नीचे इसमें दिया हुआ है, नीचे चैट विंडो में। तो निवेदन है कि जो जूम पर लोग हैं वो इसे यूट्यूब पे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, इससे ज्यादा लोगों तक हम कनेक्ट करने में पहुंच पाएंगे। राइट, जो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम शुरू करने हैं इस मीटिंग को यहाँ पर। मीटिंग अभी ये लाइव है यूट्यूब पर। तो आज का ये शुभ दिन रामनवमी के शुभ दिन, भगवान राम के पावन अवतरण दिवस पर मैं सभी को हार्दिक बधाई मुबारक अर्ज करता हूं। और साथ ही साथ आज ही हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी, हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के संस्थापक श्री परमहंस गुरुदेव श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है। हम उनको भी प्रेम भरी वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम गुरुदेव की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि गुरुदेव की गुरु जो है वो भगवान से भी पहले होते हैं। गुरु की कृपा से ही भगवान को प्राप्त किया जाता है, इसलिए पहले गुरुदेव और फिर साथ साथ हम भगवान के चरणों में, भगवान राम के पावन चरणों में वंदना करेंगे। आइए सबसे पहले अनुभव करते हैं गुरु कृपा को, गुरुदेव के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम वंदन करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को। 1846 में प्रभु का अवतार हुआ श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज, जिन्होंने हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव रखी, उसकी स्थापना करी, जिनके हम पंचम रूप में हमने सभी ने दर्शन किए हैं और अभी छठी पातशाही जी के रूप में उन्हीं के पावन दर्शन हम कर रहे हैं। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में हम प्रेम भरी वंदना करते हैं और आज के इस शुभ त्योहार की उनके पावन चरणों में बधाई मुबारक करते हैं, बधाई देते हैं। साथ ही साथ हम अपने प्यारे प्रभु राम जी के सुंदर चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि आज के ही सुंदर दिन प्रभु राम का इस धरती पर अवतार हुआ है, राम रूप में भगवान का अवतार हुआ है और प्रभु के चरणों में वंदन करते हैं। पूरे देश को की तरफ से प्रभु के चरणों में वंदन है, अभिनंदन है। ऐसे ही राम कृपा हम सब पर बरसती रहे, ऐसे ही हम अपने जीवन में कैसे राम को उतारें। आज का हमारा ये टॉपिक है कि राम मेरे कैसे हों, मेरे हृदय में कैसे राम आए, ये हमारा मेन टॉपिक है। मैं आपको उनकी छोटी छोटी कुछ बातें शेयर करूंगा जिससे हम कनेक्ट हो पाए उनके पावन चरण कमलों से। तो राम कथा हम सदा सुनते आए हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं ही सुनहीं बहुविधि सब संता। इसे सुनते हैं, आपको शायद इसके बारे में पता ना हो कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। अब हमें लगता है कि भगवान का अवतार केवल एक बार भगवान राम के रूप में हुआ, लेकिन रामायण में ही ये लिखा है सामचरितमानस में कि नाना भांति राम अवतारा, राम का अवतार अनेक अनेक तरह से होता है। रामायण सत कोटि अपारा, कितनी रामायण है कहा, सत कोटि, 100 करोड़। 100 करोड़ आखिरी शब्द यूज करते हैं वो, कि रामायण का कोई अंत नहीं है, रामायण कोई एक बार नहीं हुई है। रामायण सत कोटि अपारा, 100 करोड़ बार और अपार बार। 100 करोड़ उन्होंने आखिरी लिमिट कह दी कि इतनी बार रामायण की घटना हो चुकी है। रामायण का अर्थ ओवरऑल, राम, राम के अवतार का अर्थ क्या है, राम का अर्थ क्या है? राम वो जो रोम रोम में रम रहे हैं,
जो हमारे रोम रोम में रम रहे हैं, जो सृष्टि के कण कण में रम रहे हैं, उस परम तत्व को राम नाम दिया, उस परम तत्व को राम नाम दिया। तो बात को थोड़ा समझना है, बड़ी 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 बात है ये बात। इतनी केवल भगवान राम के अयोध्या में जन्म लेने तक की ये बात सीमित नहीं है, बात थोड़ी सी बड़ी है। मैं यहाँ पर आपको भगवान राम के कुछ गुप्त मंत्रों के बारे में भी बताने वाला हूँ, और ये बहुत ही विराट, बहुत ही बड़ी लेवल की घटना जो ये क्लास होने वाली है, इसको हम बड़े प्यार से अनुभव करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले भगवान राम के कुछ, उनके जीवन के कुछ संदेश जो हैं उस पे हम कनेक्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो भगवान राम के जीवन से हम क्या सीखते हैं उनकी कुछ बातें लेते हैं, और साथ साथ हम अपने सद्गुरुदेव भगवान जी के पवित्र जीवन से भी, उनके चरण कमलों में अर्ज करते हुए उनके पावन वचनों को भी साथ में ग्रहण करेंगे। तो भगवान राम के जीवन की सबसे बड़ी बात क्या है, क्यों इतने महान है? आए तो नर रूप में, हमारी ही तरह दो हाथ दो पैर, आंखें नाक मुंह, हमारी तरह इंसान के रूप में जन्मे संसार में, लेकिन क्यों वो भगवान है? उनके अंदर भगवत्ता प्रकट हुई है, क्यों वो भगवान है? राम राम है, राम जैसा कोई दूसरा उन जैसा नहीं, यूनिक है, विशेष है। तो क्या सीख मिलती है? समानता, पहली चीज, समान व्यवहार, कोई फर्क नहीं किसी के प्रति, किसी ना तो इंसानों के बीच में डिफरेंस करना, और ना ही इंसानों और जानवरों के या इंसानों और अन्य जीव जंतुओं के बीच में डिफरेंस। जिसको भी देखा कि बस एक, उन्होंने प्रेम देखा, जहां भी देखा केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेओ जो जानन हारा। अगर जानना है तो ये जान ले कि भगवान राम को केवल प्रेम प्रिय है, और प्रेम के लिए भगवान ने ये करुणा अवतार धारण किया। तो करुणा अवतार के रूप में छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो, जो सामने आया उसके प्रति राम करुणावान है, ये रामत्व है, राम की परिभाषा है। राम, मैं आपको कोई अयोध्या कहानियां सुनाने वाला नहीं हूँ कि राम ऐसे गए, राम ऐसे पैदा हुए, ये हुआ वो हुआ, वो कहानी आप सब सुन चुके हैं। यहाँ जो बात हो रही है रामत्व की, राम मेरे हृदय में प्रकट कैसे हो, मैं राम कैसे हो जाऊं, आप राम कैसे हो जाएं, बात यहाँ राम बनने की हो रही है। सबके अपने अपने राम है, मेरे राम कैसे हैं, मेरा रामत्व मुझ में कैसे प्रकट हो, हम यहाँ पर ये बात करेंगे। मैं कोई कहानियां नहीं सुनाऊंगा यहाँ बैठकर, राम ने ऐसा किया, राम ने जो भी किया, राम राम कैसे हैं। सबसे पहली बात उनके जीवन, महान चीज सीखते हैं, वो है, वो घटना देखिए। सुबह आपको राज तिलक मिलने वाला है, आपको राज तिलक मिलने वाला है, और उससे पहले आप देखिए, आपको अनाउंस किया जाए कि कल आप राजगद्दी पर बैठने वाले। आज के टाइम में मान लो आप कल के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, मान लो, एक मिनट के लिए बात समझ लो, बात बड़ी है। तो इतनी बड़ी बात, बात तो किस इस एक बड़े अयोध्या राज्य के आप चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, चलो ऐसा सोच लो, या प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, मन में आम इंसान की कितनी खुशी होती होगी, कैसे लड्डू फूटते होंगे, कितना विराट मन में बार बार आता होगा कि बस कल तो फिर, कल के बाद तो फिर हम तो राजा हो जाएंगे, और फिर देखो कैसे जो है राज चलाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, कितनी आज के टाइम में लोग कितनी खुशियां मनाते हैं, राइट। और फिर सारा कुछ आपके फेवर में है, सब चीजें आपके पिता आपके फेवर में है, जो राजा है सब फेवर में, सारी पब्लिक फेवर में है, आपकी जय जयकार हो रही है, और सडनली कुछ ही देर में सीन पलट जाता है, सीन पलट जाता है, और जो जिसको जिसको राम को राजगद्दी मिलने वाली है, उन्हीं को उठाकर अगले ही पल बताया जाता है कि कल से आपको वनवास दिया जा रहा है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी इस प्रकार से लिखते हैं कि जब ये घटना पता चली, आपकी और मेरी मन की अवस्था क्या होती है, आप सोच के देखिए, किसी भी आम इंसान के मन की अवस्था क्या होगी, आप सोच के देखिए। लेकिन वो राम है, अब राम तो राम है, कैसे राम है, मैं सो ध्यान रखना, परिस्थितियों से पार है वो, सुख दुखे समय कृत्वा, यही राम जो कृष्ण रूप में आए तो फरमा रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा, सम देखना, सुख और दुख को समान मानना, समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय को बराबर कर दे, और तब तुम्हारे अंदर रामत्व प्रकट होगा, जब लाभ और हानि बराबरी पर आ जाए, जब आपको ये डिफरेंस फील ही ना हो, आप दोनों ही परिस्थिति, अगर परिस्थितियों से आप विचलित हो जाते हैं तो आप राम नहीं,
रामत्व प्रकट नहीं हो सकता। हर छोटी मोटी परिस्थिति हिला जाती है, थोड़ा सा सुख लोगों को फूल के कुप्पा हो जाते हैं। मेरे घर में पुत्र जन्मा है, चलो जन्मा है, मान लो खुशी मनाने की बात है। अच्छा इसमें आपकी क्या बड़प्पन है, क्या बड़प्पन है, एक आत्मा धरती पर आई है, लोग इतनी खुशियां इतनी खुशियां, आज बर्थडे है। अच्छा इसमें आपका क्या बड़प्पन है, बस है जबरदस्ती। एक आम इंसान के मन की अवस्था देखो। अच्छा वो खुशियां मातम में बदल जाए तो क्षमा चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते कभी, लेकिन बदल जाती हैं तो फिर क्या, इंसान कैसे दहाड़े मार मार के रोता है। जो अभी खुशियां मना रहा था, जो वो अभी दहाड़े मार मार कर रो रहा है, दोनों में ये राम का ये रामत्व नहीं है। जो अभी खुशियां उसके उनके सामने प्रकट हुई, तुम्हें राजा बनाया जा रहा है। अभी एक पल के अंदर सारी कहानी बदल गई, तुम्हें अब से वनवास भेजा जा रहा है। नंगे पैर वनवास की यात्रा करो, कोई राज्यपाट नहीं मिलने वाला। देखो आम इंसान कैसे रोता, दहाड़े मार मार के रोता, लेकिन राम है। कहते हैं तुलसीदास जी लिखते हैं कि इतने प्यार से राम जो है ना मुस्कुरा दिए इस बात को सुन के, वाह कमाल हो गया ये तो, कि जो एक बंधन उनके ऊपर पड़ने वाला था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होने वाली थी, राजकाज वाज होना था, वो उसको छोड़कर मन जैसे एक मस्त हाथी की तरह से वैसे राम ऐसे उठ के चल दे जैसे कुछ घटना घटी ही नहीं है। ये राम है, रामत्व है उनके अंदर, यही उन्हें राम बनाता है। किस प्रकार से आज्ञा, पिता की आज्ञा ही नहीं, मन की अवस्था भी वैरागी है, ग्रस्त में है लेकिन वैरागी है। सीता जैसी माता, आप सोचिए सीता परम सुंदरी थी, रावण जैसा महा जो योद्धा था, और गुण अवगुण बहुत सारे थे, चलो मैं भी इतना ही कहूंगा, मतलब सीता का सौंदर्य, ऐसी पत्नी को छोड़कर, अब वनवास तो राम को ही हुआ था ना, सीता जी को तो नहीं हुआ था, वो तो बाद की बात है कि सीता जी ने उनको अकंपनी करने के लिए, तभी तो ये रामायण है ना, तभी तो वहां के कैरेक्टर विशेष हैं, हर बात विशेष है वहां पर। तो रामायण में राम बनने के लिए क्या करना पड़ा है, वो रामत्व कैसे प्रकट करे, मेरे और आपके भीतर कैसे प्रकट हो, मैं ये बात करने वाला हूँ। कैसे उन परिस्थितियों से आप पार उठते हैं, कैसे हम परिस्थितियों से पार उठते हैं, भीतर जो है एक वैराग्य की अवस्था बनी हुई है, उस वैराग्य के कारण राम राम है। ठीक है, उस वैराग्य के कारण राम राम है। राम को पाना है, राम को फील करना है, तो उस अवस्था में जाकर देखिए आपके और मेरे जीवन में आने वाली छोटी से छोटी घटना, कैसे हम उन परिस्थितियों से पार हो जाएं, हमारे अंदर रामत्व प्रकट हो जाए। इसके लिए ही मेरे सदगुरुदेव भगवान बताते हैं अजपा जाप, श्वास श्वास में जाप करा। परिस्थितियां इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी सोच आपके विचार आपके भाव इंपॉर्टेंट है, आप किस अवस्था में हो। अगर आप अपने भीतर आनंद में हैं तो परिस्थितियां ना आपको खुश कर सकती, परिस्थितियां ना आपको दुखी कर सकती। आप एक ऐसी सम अवस्था में हैं जहां पर आपको पता है परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं और मैं इन परिस्थितियों से पार हूं, ये है रामत्व। बात समझ में आ रही है, बात थोड़ी बड़ी है, इतनी छोटी सी बात नहीं, मैं कोई कहानी सुना के खत्म कर दूंगा आपको, ऐसा हुआ कि वैसा हुआ, जो भी हुआ जो भी हुआ, जरा देखना समझना बात को। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं ही राम को राम बनाती हैं। सम अवस्था में एक भीलनी के घर जाना पड़ा, राम जी को एक भीलनी के घर जाना पड़ा, नीच जाति। आज के टाइम में किसी की हालत खराब हो जाए, कहने को लोग नेता लोग दिखाने के लिए बात करते हैं, नहीं कहने को नेता लोग बात बात करते हैं कि इस प्रकार से किसी के घर में बैठ के खाना खा रहे हैं, लेकिन वास्तव में कितना सम्मान होता है किसी के प्रति कोई जानता नहीं है, मन में कितनी नफरत पैदा हो रही होगी, कितने इंतजाम किए जाते हैं इनके बारे में, लेकिन राम राम है। वहां पर जानते हैं कि वहां पर जब उसकी उनकी इंतजार हो रही है, वहां पर वो जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं, वहां पर झूठे बेर खाने के लिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेओ जो जानन हारा, ये राम को राम बनाता है, ये भाव राम को राम बनाता है। ऐसी ही मेरे सदगुरुदेव भगवान, मेरे प्रभु जिन्हें जिन्हें हम श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी, हमारे श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज जिनके बात करते हैं, आपका शुभ अवतार 1846 में हुआ बिहार में छपरा नाम के स्थान पर। तो प्रभु का अवतार जो हुआ, जिस रूप में इस धरती पर आए, बड़ी प्यारी कथाएं हैं, बड़ी प्यारी उनकी लीलाएं हैं। राम रूप में राम जन्मे, पिता ने के घर में लोगों ने आकर कहा कि अपने बच्चे के जन्म का उत्सव मनाइए, तो पिता ने बड़े प्यार से कहा कि मेरे पुत्र का जन्मदिन तो सारा संसार मना रहा है, मैं अलग से क्या मनाऊं, मैं अलग से क्या मनाऊं।
आपका शुभ नाम बचपन से हापू बाबा के नाम से जाना जाते थे, हापू बाबा। सुंदर प्यारा स्वरूप और बड़ी दिव्यता, अपार अपार दिव्यता। मैं इनकी बचपन की कुछ बातें शेयर करूंगा प्रभु के। तो राम का जो रूप है, राम का जो अवतार है, वो राम को राम कैसे बनाता है, हम उसी चीज का अनुभव में उतर रहे हैं। लोगों के प्रति दयालुता, विनम्रता, भगवान राम की अपार विनम्रता, सबके प्रति बात करते हैं और अपने अंतर में सबके साथ समान व्यवहार, हाथ जोड़कर सबसे मिलना, प्यार से व्यवहार करना, सब जानते हुए भी विनम्रता, ये राम का रामत्व है, बिल्कुल अलग। आप याद करें उस घटना को, जब कौवा जो जयंत जो है, जयंत जो था वो इंद्रदेव का पुत्र था, माता सीता की परीक्षा लेने के लिए आया और उनके उनके चरणों पर प्रहार करता है, अपने अपने चोंच से प्रहार करता है। राम जी की सादगी आम साधारण रूप में, लेकिन जब माता सीता को तड़ी तकलीफ हुई तो भगवान ने, जैसे एक पति का फर्ज है पत्नी के केयर करना हर तरह से, जब देखा कि नॉर्मली भगवान किसी को तकलीफ दे के राजी नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी उदंडता पे ही उतर आए, दो तीन बार चोंच मारी, तो फिर प्रभु ने उसको जब दंड देने की बात करी, सिंपल एक तिनका उठाया और तिनके को उठा के छोड़ दिया, और वो तिनका ब्रह्मास्त्र की तरह जा रहा है और कई तीनों लोकों में कहीं छुप जा, राम के उस ब्रह्मास्त्र से किसी का कोई छुटकारा दिलाने वाला नहीं, ब्रह्मा जी भी नहीं छुटकारा दिला सकते। राम है वो महाशक्ति है, लेकिन विनम्रता ऐसी कि हाथ जोड़ते हैं ऐसे बड़े प्यार से, कहीं मर्यादा नहीं तोड़नी, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप सोचिए जीवन में हम कितनी मर्यादाएं धारण करते हैं, आप और मैं कितनी मर्यादाओं में रहते हैं। मर्यादा का मतलब क्या होता है समझ में आता है? जो जो सीमा रेखा बनाई गई है किसी भी रोल को निभाने के लिए, वो मर्यादा है। उस सीमा रेखा में उसी नियमों के तहत रहते हैं। जब गृहस्थी है तो गृहस्थ में रहते हुए भी वैरागी हैं, जब वैरागी हैं वैराग्य में रहते हुए भी गृहस्थ के नियम पूरे करते हैं। यही राम का रामत्व है, भीतर तटस्थ है, जो मर्जी घटना बाहर घट रही है अपने ही आनंद में लीन बैठे हैं। अब देखिए भगवान बुद्ध का कैरेक्टर, श्री राम जी का कैरेक्टर देखिए, उस भाव को देखिए, वो कैरेक्टर क्या है। ये सब कहने को विष्णु के अवतार जी कहे जाते हैं ना, बात समझिएगा, विष्णु जी के अवतार कहे जाते हैं कि विष्णु जी इस रूप में आए। तो ये जो भगवान का जो अवतार हुआ, ये इसी प्रकार से, अब जैसे बुद्ध हैं, बुद्ध किस प्रकार से तटस्थ हैं, हर तरह की परिस्थितियां उनके सामने घटित होती हैं और उन दुखों से बिल्कुल वो दूर हैं, परे हैं, यही राम का भाव रहता है। तो उस राम जी के साथ अब हम अपने मन को जोड़ के देखते हैं कि मेरे मन में भगवान राम का जो भाव पैदा हो रहा है, वो किस प्रकार से हम अपने मन के भाव को भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। मैं आपको मैं एक बार यहाँ पर बात करता हूं अपने प्रभु के चरणों में, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की महिमा भी, वो भी, क्योंकि मैंने जिनको जाना है आज के समय में, वो मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी के रूप में जो प्रभु राम का अवतार हुआ है, मैं दोनों रूपों में उनको लेके चल रहा हूँ कि मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी श्री प्रथम पाशाह जी, जिन्हें हम कह रहे हैं हापू बाबा, क्योंकि मेरे आज जो सद्गुरुदेव भगवान है, इन्हीं की परंपरा चली आ रही है। एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति कितना सम्मान, कितना आदर होना चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए गुरु के चरणों में। भगवान राम ने हमें यही सिखाया, कितना सम्मान करते थे, स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है राम, स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन जब वशिष्ठ जी के चरण दबाने की बात आती है तो चरणों की सेवा करते हैं बड़े प्यार से। वहां पर ये नहीं कहते कि मैं भगवान और तुम कहां। अगर देखा जाए तो कितनी ऊंची हस्ती है उस भगवान के, नाना भांति राम अवतारा जिनकी बात कहते हैं, वो राम एक अपने गुरु का सम्मान कितना करते हैं, गुरु परंपरा का सम्मान करते हैं, कि जब वो गुरु को धारण किया, जो वो विश्वामित्र जी के साथ भी गए, तो पूरी परंपराओं के साथ पूरे निभाते, उनके चरणों की सेवा करी, उनकी उनके जो उन्होंने आज्ञा दी, जिस प्रकार से जो कहा वो सब किया। हमारे मन में गुरु के प्रति कितना सम्मान होना चाहिए, हमें भगवान राम ने ये मर्यादाएं रखनी सिखाई, कैसा सम्मान होना चाहिए, कितना विराट आदर, चाहे तुम कितने भी ऊंचे क्यों ना पहुंच जाओ, गुरु के चरणों पर कुर्बान रहना,
मैं भी अपने सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु हमें भी ऐसी सदबुद्धि दीजिए। आज हम भगवान राम से ये मांगते हैं, हे प्रभु हमारे अंदर ये सदबुद्धि दीजिए कि हम भी अपने गुरु के प्रति समर्पित हो पाए, हमारे भीतर भी आपका रामत्व प्रकट हो पाए, हम भी राम रूप में जी सके, हमारे भीतर भी रोम रोम में राम बस जाए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं अगेन दशरथ पुत्र की बात ही करूं, मर्यादाएं उन्होंने स्थापित करी जरूर, तो एक कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम इन सबते न्यारा। तो राम शब्द केवल सीमित नहीं है कि दशरथ पुत्र की बात हो रही है, राम वो राम अब शब्द परमात्मा स्वरूप है, राम ही परमात्मा है, राम केवल सीमित नहीं है इस देह तक कि यही राम है, राम एक कंसेप्ट भी है जो रोम रोम में रम रहा है। अब जाहिर सी बात है दशरथ के पुत्र के रूप में तो वो रोम रोम में नहीं रम सकते, लेकिन हम मानते हैं कि वो रोम रोम में रम रहे हैं, सकल ब्रह्मांड के अंदर केवल राम राम, ये जो एक अक्षर है, ये जो दो अक्षर है ना, ये सब सब संसार का कल्याण करने के लिए काफी है। राम नाम का ये जो अक्षर है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए का। तुलसीदास जी लिखते, कहां लग कहूं नाम बड़ाई, कहां लग कहूं नाम बड़ाई, राम ना सके नाम गुण गाई। अपने नाम की व्याख्या भगवान राम स्वयं नहीं गा सकते, आपको हैरानी होगी ये बात सुन के, क्या बोल रहे हैं कि स्वयं राम भी राम शब्द की महिमा नहीं गा सकते, कितनी बात है, स्वयं राम भी राम शब्द की महिमा नहीं गा सकते, इतना महान है राम का नाम, राम से बड़ो राम का नाम। तो हमारे भीतर अगर राम को प्रकट करना होगा, उनके कैरेक्टर उनके गुणों को सीखें, पर एट द सेम टाइम ये जाने कि मेरे रोम रोम में राम का राम राम नाम रम जाए तो मैं भी राम बन जाऊं, मतलब मेरे अंदर भी राम प्रकट हो जाए। हम किसी का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा को राम बना रहे, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू। हमें बनना है अपनी आत्मा में राम, आपने शब्द सुना होगा आत्मा राम, आत्मा राम, आत्मा राम कैसे, मतलब क्या हुआ, मेरी आत्मा ही राम है। सुना है कभी ये शब्द, आत्मा राम की खोज करते हैं लोग, आत्मा राम नहीं मिल रहा, मृत्यु के बाद जब शव को जला दिया जाता है तो ढूंढते हैं आत्मा राम कहाँ है, आत्मा राम नहीं मिल रहा, आत्मा राम मिल गया, एक हड्डी को बोलते हैं आत्मा राम, यहाँ पे हड्डी होती है उसको बोलते हैं आत्मा राम, आत्मा राम कहाँ गया, कहाँ गया, आत्मा राम वो नहीं है भाई, तुम कहाँ गलत फहमियों में पड़े हो, आत्मा राम एक हड्डी का नाम नहीं हो सकता, आत्मा में रमने वाला कहाँ गया, उसकी खोज नहीं करी, जाना नहीं उसे, बहुत सारी परंपराएं मिस हो गई इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ता है, रोम रोम में बस रहे हैं राम, उनको प्रकट करना अपने हृदय के अंदर, उनके गुणों को अपने हृदय में धारण करना, आपके घर में आपके हृदय में आपको राम बनाने की भी बात हो रही है, और ये राम कौन बना रहा है, ये गुरु की कृपा से संभव है, इसीलिए गुरु की महिमा गाता हूं बार बार, कि जिन्होंने जिन्होंने दुखों से आके छुड़ा दिया, जिन्होंने आत्मा को शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, ऐसे मेरे सद्गुरुदेव भगवान, ऐसे मेरे सद्गुरुदेव भगवान जो रोम रोम में रम रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे, तो मेरे राम मेरे प्रभु मेरे राम कैसे मेरे अंतर में बस जाएं, कैसे मेरे अंतर में बस जाएं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम कैसे रोम रोम में बस जाएं, जैसे हनुमान जी ने बसाया। एक एक व्यक्ति आदर्श है राम का रामायण में, राम ही नहीं राम अपने साथ इन सभी को लेकर आए हैं, केवल राम ही सब कुछ उनको बनाते हैं, सीता का आदर्श देखो, इसी तरह से लक्ष्मण जी का आदर्श देखो, इसी तरह से भरत जी का आदर्श देखो, आप सभी ने अलग अलग रूपों में सबकी महिमा जानी है, इवन रावण का भी आदर्श अपनी जगह पर कम नहीं था, सबके एक से एक महान आदर्श, हम किसको अपनाएं, आपको जो भी आदर्श अपने हिसाब से उचित लगता है उनको अपनाएं और उनको अपने हृदय में रोम रोम में बसाएं। मैं यहाँ जो बात करने वाला हूँ राम जी के जीवन की, वो बातें जो हमारे हृदय में परिवर्तन ला सकते हैं, जो राम को राम बनाते हैं, हम इन्हीं की बात करेंगे जो हमारे अंतर में राम जी को प्रकट कर दें। तो इसको जिसको राम जी को प्रकट कर दें, तो जिसको जिसकी मैत्री इंसान की राम से हो जाती है वो सुंदर हो जाता है। देखो एक बार जरा सुंदरकांड के अंदर आपको ये बात बताते हैं, राम जी के जीवन का ये पारा पाठ है, जिस जीव की मैत्री राम से हो जाती है वो सुंदर हो जाता है। सुंदरकांड मतलब वो वाला पार्ट जहां पर, ऐसे हर एक पार्ट का बता सकता हूँ, हर एक एक पार्ट का, किष्किंधा कांड, बाल कांड, ऐसे कांड मतलब सेक्शन, वो पार्ट
तो उसकी हम बात करते हैं, किस प्रकार से उसकी व्याख्या दी जाती है, एक एक पार्ट की मैं यहाँ पर बताता हूँ क्या करके समझने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए बाल कांड की बात करें, बालक बालक जो है, तो बालक जो है भगवान को प्रिय है क्योंकि उसमें कोई छल नहीं, कपट नहीं, और जो भी इस प्रकार से परमात्मा को अपने हृदय में बसाना चाहे उसको एक बालक जैसा स्वभाव बनाना पड़ेगा, जहां तक हो सके अपने हृदय में निर्दोषता। भगवान को अगर बसाना है, राम जैसा बनना है, राम को हृदय में बसाना है तो निर्दोषता, जितना हो सके छल कपट नहीं, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा, मुझे निर्मल मन जन सो मोहे पावा। भगवान राम ही फरमा रहे हैं रामायण में, कहते निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। तो निर्मल मन वाला व्यक्ति ही मुझे पा सकता है, भगवान फरमा रहे हैं, मुहे कपट छल छिद्र नहीं भाता। ये है बाल कांड की बेसिक व्याख्या, कि बाल कांड बचपन में अगर हम चाहते हैं परमात्मा को हृदय में बसाना तो बालक के रूप में, एक बालक जैसे हो जाए तो राम हमारे हृदय में आकर बस जाएंगे। इस तरह से बेसिक व्याख्या पे जाएंगे, जो रामायण का बेसिक पर्पज है वो ये है, केवल कहानियां सुनाने से मकसद नहीं है, राइट। तो इस प्रकार से आप देखिए अयोध्या कांड की बात करें, भगवान राम के जीवन का वो हिस्सा अयोध्या कांड में, इसका मतलब है कि जब कि बेशक घर में जो है सीता जैसी सुंदर पत्नी है, उसके बावजूद भी उनका मन किसी विकारों में नहीं अटकता। राम है वो, उसका मन किसी विकारों में नहीं अटकता। एक आम इंसान के मन की हालत देखो क्या हालत होती है, पत्नी से एक पल के लिए भी दूर नहीं होते। शुरू के दिनों में तो लोग ऐसे पागल हुए पड़े होते हैं, काम विकार कितना प्रधानता पे होता है, लेकिन राम 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 है, राम के ऊपर कोई विकार नहीं, कोई विकार नहीं। हर फर्ज निभाते हैं लेकिन विकारों से दूर होकर निभाते हैं। जरा ध्यान देना, छोटी से छोटी बात भी मर्यादा मर्यादा, हर चीज की एक मर्यादा, एक सीमा रेखा है। पिता की आज्ञा की मर्यादा, माँ की आज्ञा की मर्यादा, जिसके कई ने देश निकाला दिलवाया, एक तरीके से आपको आउट ऑफ बॉर्डर भेज दिया 14 साल के लिए। आप सोच के देखिए आम इंसान के मन की क्या अवस्था होती, कितना तड़पते, कितने दुखी होते, कितनी गालियां देते, इसी के कई के कारण ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन राम, उनकी भी चरण छूने जाते हैं जब अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं, ये राम है, उनके भी चरण छूने जाते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, माता इसमें आपका कोई दोष नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं, परिस्थितियां ऐसी होनी ही थी, मुझे जाना ही था वन को, आपका कोई दोष नहीं, माँ को कोई दोष नहीं होने दिया, किसी के मन में गिल्ट फीलिंग नहीं होने दी, यही राम है। और फिर भरत जी का त्याग देखिए और लक्ष्मण जी का त्याग देखिए, एक से एक बढ़कर देखिए, एक मिनट नहीं लगाया लक्ष्मण जी ने ये सोचते हुए, ये त्याग करते हुए कि मैं, मेरे प्रभु भगवान वन को जा रहे हैं, मैं कैसे घर पर रह जाऊं। सोचिए कितने लोग आज के टाइम में आपके मित्र पर, आपके पड़ोसी पर, आपके भाई पर कोई विपत्ति आ पड़े, लोग कितनी कुर्बानी देते हैं। सोच के देखिए, अपने घर पर जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक हम दूसरे के बारे में कहां सोचते हैं, लेकिन यहाँ हर व्यक्ति कुर्बानियां देने के लिए तैयार है, अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार है। सीता का बलिदान देखो और लक्ष्मण जी का बलिदान देखो, कैसा बलिदान है, कैसे अपने आप को कुर्बान कर दिया है। और भरत जी का बलिदान तो क्या कहा जाए, एक से एक बढ़कर जो जो ये रामायण को, राम को राम बनाते हैं, और राम के कारण ही तो रामायण है, राम के कारण ही तो रामायण है। तो एक एक बात जो है ना अपने हृदय में बसाने लायक है। तो यहां से हम अब जो हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको राम जी के कुछ मंत्र देता हूं जो महाशक्तिशाली हैं, जिसके बारे में हम बात करें तो हम बहुत सारी चीजों के बारे में और गहराई से कनेक्ट हो सकते हैं, जो रामायण की लर्निंग्स भी, रामायण की चौपाइयां भी, कुछ बातें शायद आपने सीखी हों कि नहीं सीखी हों। तो रामायण में जो जो जिक्र आता है चौपाइयों का, जिन बातों का, यहाँ पर तुलसीदास जी फरमाते हैं, बिन सत्संग विवेक ना हुई। मैं चाहता हूं, मेरी हार्दिक विनती है सभी से रामायण की कुछ चौपाइयां तो याद रखना, अगर पूरा रामचरितमानस ना याद हो, याद रखना। हमारे देश को, अगर इस समय सनातन धर्म को कोई चीज बचाने वाला प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ नकारात्मकता बहुत हावी है, मैं इससे ज्यादा नहीं शब्द इस्तेमाल कर सकता, अगर
अपने देश को बचाना है, तो कहीं एक परंपरा जो है हमें कनेक्ट करनी है, एक परंपरा। हम अपनी परंपराओं से दूर कर दिए गए हैं। हम बात तो करते हैं रामायण की, महाभारत की, गीता की, सचमुच कितने लोगों ने गीता या महाभारत या रामायण पढ़ी है। मैं निवेदन करता हूँ रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां, कुछ बातें अपने दिल में बसाएं। राम जी का कैरेक्टर भी, जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया अलग अलग पार्ट का, वैसे ही साथ में जो है भगवान राम का जैसे कैरेक्टर हम हृदय में बसा रहे, वैसे ही रामायण की कुछ चौपाइयों को भी हृदय में जरूर धारण करें। एक एक चौपाई अनमोल है, अनमोल अनमोल। तो रामचरितमानस को सभी ने पढ़ना है, मेरा सभी से निवेदन है, रामचरितमानस को जरूर से जरूर पढ़ेंगे सभी से। कितने लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है रामचरितमानस को, पूरा पढ़ा है? पढ़ा है ये? यूट्यूब वाले भी जरा कमेंट करके बताइएगा, यूट्यूब वाले कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों ने। वीडियो को लाइक कर दें प्लीज, वीडियो को लाइक कर दें। अभी हम भगवान राम की दिव्य ऊर्जा से जुड़ने वाले हैं, यूट्यूब वाले सभी से निवेदन है, तो सभी से निवेदन है, राइट? समझ में आ रहा है? तो रामचरितमानस अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़िए, और कुछ चौपाइयां अच्छे से दिमाग में बिठाइए। मैं कुछ चौपाइयां इसलिए बता रहा हूं ताकि याद रह पाए, कुछ बातें जो बिल्कुल क्रक्स हैं, जो रामचरितमानस का क्रक्स है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और प्रभु राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। ये सत्संग में आप आए हैं, ये प्रभु राम की कृपा है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं जागती, ज्ञान नहीं होता। विवेक का मतलब है केवल बुद्धि नहीं, विवेक का मतलब है सत और असत्य का परख करवाने वाली बुद्धि, सत और असत का ज्ञान होना, सच क्या है और झूठ क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है। आत्मा सत्य है, शरीर झूठ है, परमात्मा सत्य है, जगत झूठ है। तो ये उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, रामचरितमानस में ही आता है। भगवान शिव फरमा रहे हैं, उमा हे उमा मैं अनुभव कह रहा हूं कि सत्य हरि भजन, परमात्मा का भजन सत्य है और जगत सपना है। कुछ बातें याद रखें, हृदय में उतार लें, कुछ बातें उतार लें, तभी रामनवमी मन पाएगी, तभी राम हमारे हृदय में बस पाएंगे। केवल एक फेस्टिवल नहीं मना रहे हैं, बात खत्म नहीं कर रहे हैं कि चलो बात खत्म करो, फेस्टिवल मनाओ और चलो अगले दिन भूल गए राम कहाँ गए, काम कौन राम, कैसे राम। नहीं, राम वो जो मेरे रोम रोम में रम जाए तो राम, राम वो जो मेरा कैरेक्टर बदल के रख दे, मेरा चरित्र बदल के रख दे वो राम। तो राम को हृदय में बसाना है इस प्रकार से। तो राम जी की कुछ बातें, बिन सत्संग विवेक न हो, याद रख लेना, रट्टा मार लेना दिमाग में, कुछ बातों को रट लेना चाहिए। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, इसी प्रकार से जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करें सब कोए। जिस पर प्रभु कृपा फरमा देते हैं, राम कृपा फरमा देते हैं, तब तो सबकी कृपा हो, सबकी कृपा अपने आप होने लगती है। मतलब जो भगवान से जुड़ जाता है जो इंसान, उस पर सबकी कृपा है। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। ऐसे वशिष्ठ जी से भगवान राम पूछने गए, जब वन में थे तो वशिष्ठ जी से पूछने के लिए गए कि प्रभु मैं गुरुदेव से, अपने गुरु से पूछने जा रहे। देखो राम है, सब कुछ जानते हैं, सबके अंदर की जानते हैं, एक एक चीज उनको क्लियर है, खुद ब्रह्मांड के नायक हैं वो, फिर भी मर्यादा निभाते हैं, गुरु से पूछने जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं कहाँ रहूं, मैं कहाँ रहूं। तो भगवान ने, उन्होंने, वशिष्ठ जी ने इशारा किया, तो उन्होंने बहुत सारी चौपाइयां हैं, उस चौपाई का जो क्रक्स है ना ये सामने है। लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं संसार की बातें नहीं कर सकता, राम तुम राम हो, तो या क्या करना, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। हे प्रभु आपका आसन इस जंगल की बात नहीं हो रही है, आप अपना आसन उस हृदय में लगा लेना जिनके अंदर कपट नहीं है, दम्भ नहीं है, माया नहीं है, उस पवित्र हृदय के अंदर आप अपना सिंहासन लगा लो। ये राम का रामत्व है, राम का स्थान है। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसौ रघुराया। इसी प्रकार जो है, अब देखो किस प्रकार से एक एक शब्द देखना यहाँ का। कहो ही तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। बात देखना,
याद है सभी को, कुछ कविता, कुछ पोइट्री, कुछ कुछ चौपाइयां, बिल्कुल दिल में बसा लो ये वाला। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट बारी। ये ऐसी चौपाई है जो गजब का, ये महामंत्र है। कहीं अटक जाए जिंदगी में तो याद रखना, दीन दयाल विरद संभारी। हे दीन दयाल, अपने विरद की संभाल करो। विरद मतलब शरणागत की संभाल करो। हरो नाथ मम संकट भारी, ये चौपाई अपने आप में महामंत्र है। कभी अटक जाओ किसी भी काम में, जहां कोई भी आपको उजाला दिखे, जिस जिस अंधकार से बाहर आने की कोई युक्ति ना दिखाई दे, तो ये वाली लाइन हृदय में दोहरा लेना बार बार, 108 इसकी चैंटिंग कर लेना, और देखो प्रभु कैसे मुसीबतों से छुड़ाते हैं। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु मेरे संकट हरो, मेरे भारी संकट मुझ पर पड़े हैं, मैं दुखी हूं, परेशान हूं, मुझे मेरे संकट हरो। इस प्रकार से सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, हे तात मेरा प्रणाम कहना प्रभु के चरणों में, और कहना कि आप तो सब प्रकार से पूर्ण काम है, कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। हे राम दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, मेरे सभी संकट हर दीजिए राम। ये प्रार्थना है, याद रखना, बड़े कमाल की है, बड़ी सुंदर है। तो ये है पहला महामंत्र, रट्टा मारने वाला, दिमाग में बिठा लो। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। कहीं अटक जाओ किसी भी दुविधा में तो उसको ये मंत्र दे देना, क्योंकि ये रामायण है, ये जुड़ी हुई है हमारे कोर से, हृदय से, बचपन में से सुनते आ रहे हैं। रामायण पे विश्वास करना आसान है। ऐसे ही नहीं, हमारा देश जो है वो भगवान राम के से जुड़ा हुआ, भगवान राम की जिनके वंशज थे, भरत, आपको पता होगा जिनके नाम पे भारत हमारा देश का नाम पड़ा है, भगवान राम उन्हीं के 14वीं पीढ़ी में पैदा हुए हैं। उन्हीं की पीढ़ियां आगे आगे चलती गई, लास्ट में अज दशरथ और राम, ये सीढ़ी लास्ट की है। ऐसे और आगे पीछे से जाएंगे तो पीछे आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये उन्हीं की परंपरा चली आ रही है, रघुकुल रीत। ये रघु जो थे उनके कुल को आगे बढ़ाया, तो वो आगे से भरत जी के कुल में ही जो आगे रघु पैदा हुए, और रघु के कुल में आगे अज पैदा हुए, फिर दशरथ पैदा हुए, और फिर राम पैदा हुए। ये ऐसे सीक्वेंस चली आ रही है। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सभी सुनते आए हैं, तो कुछ बातें हृदय में बसा लेने लायक हैं। यहां मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, बात को थोड़ा सा शॉर्ट में करते हुए इस प्रकार से अब अपने अपने अंदर जो मैंने आपको कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहीं बहुविधि सब संता। हरि अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। आपको पता है रामायण जो है ना, इस संसार में कम से कम 600 तरह की रामायण अभी तक पाई गई है, इसी संसार में। एक रामायण हम उत्तर भारत में, जैसे आप सुनते हैं वाल्मीकि रामायण है, एक तुलसीदास जी कृत रामायण है, ऐसे अलग अलग संतों ने अपने अपने रामायण की रचना की हुई है। मेरे गुरुदेव की भी एक आनंद रामायण के नाम से है। ऐसे अलग अलग रामायण, सबने अलग अलग व्याख्या की हुई है कि रामायण की जो ये भाव है वो किस प्रकार से, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाए न गाए। ऐसा भगवान राम का चरित्र है, इतना महान चरित्र है कि कोटि कल्प, कल्प होता है चार युगों के बराबर, एक कल्प बोलते हैं चार युग, पूरे युग द्वापर त्रेता, सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग, सारों को मिला के जो टोटल बनता है ना, उसको एक कल्प बोलते हैं, एक कल्प। तो कोटि कल्प, कल्प कोटि लगी, कोटि कल्प भी ऐसे करोड़ों बार युग बीत जाए ना, तो भी भगवान राम के चरित्र के गुण नहीं गाए जा सकते, इतनी महान। तो राम के इसकी कल्पना, कल्पों में भी उनके गुण नहीं गाए जा सकते। याद रख लें, कुछ बातों को दिमाग में बिठा लें, मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। सब संत उन्हीं की महिमा गाते हैं, उसी परमात्मा राम की महिमा गाते हैं। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाए ना गाए। उनकी महिमा को गाया नहीं जा सकता, उनकी महिमा को गाया नहीं जा सकता। तो हृदय के अंदर बस आए कि मेरे अंदर भी राम बस जाए, मैं भी अपने प्रभु राम, अपने डिवाइन मास्टर के चरणों में वंदन करता हूँ, जो राम रूप में अवतरित हुए, मेरे सद्गुरुदेव भगवान श्री प्रथम पातशाही जी के सुंदर स्वरूप में अवतरित हुए। ऐसा पावन, ऐसा दिव्य स्वरूप, ऐसे स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज, प्रभु के जीवन की ऐसी ऐसी झलकियां मिलती हैं। उनके जो गुरु जी थे,
मेरी सदगुरुदेव भगवान जी के जो गुरुदेव, उन्होंने एक बार इनसे कहा कि हापू बाबा कह के बुलाते थे कि बाबा आपको जो है, इन्होंने प्रार्थना करी हापू बाबा ने, मतलब श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने अपने गुरुदेव के आगे कि प्रभु मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। उस समय इनकी उम्र बहुत थोड़ी थी, 12 साल की उम्र थी। मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। कहा प्रभु आप कहाँ संन्यास लेने की बातें कर रहे हो, अभी तो संसार को निभाओ, अभी तो बचपन है, बचपन को जियो, आगे चल के संसार को निभाओ, और आगे चल के जो है जैसे जो 4 आश्रम कहे जाते हैं, मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम आश्रम, और लास्ट में जाके कहीं जाके वैराग्य जिसको कहते हैं, वो वाला आश्रम ये बात करते हैं कि अब आप वैरागी होकर तब उस आश्रम में प्रवेश करना। उन्होंने कहा कि नहीं, जिसके मन से काम विकार समाप्त हो गया, वो जिस जीवन में भी जब भी संन्यास लेना चाहे, उसके लिए संन्यास उपलब्ध हो जाता है। तो याद रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, मर्यादाएं मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने स्थापित की हैं, दोबारा से वही जीवन जीकर दिखाया उन्होंने, वही मर्यादाएं स्थापित करी। ऐसे ही नहीं कहा जाता, संतों को प्रभु का अवतार कहा जाता है, नित्य अवतार होते हैं, नित्य अवतार उन्होंने जीवन में धारण किया, कैसे वासनाओं पर विजय पाई, किस प्रकार से। एक बार किसी ग्रंथ में ऐसे किसी ने कह दिया कि लोग ना उड़ते हैं, शरीर इस देह के साथ भी उड़ा जा सकता है। तो मेरे हापू बाबा जी, हमारे प्रथम पातशाह जी महाराज जी, उन्होंने कहा कि मैं भी उड़ने का प्रयास करता हूँ। आप सोच के देखिए संकल्प की शक्ति कितनी महान। और ऐसा वाणी में उसमें जिक्र आता है कि चुपचाप बैठ गए, मन में संकल्प लिया, आंखें बंद कर ली और प्राणवायु को अंदर रोका और संकल्प लिया कि मैं उड़ जाऊं, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करी और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो शरीर जो है वो उड़ने लगे। तो उनकी जो जो मौसी थी या कोई थे, उन्होंने उनकी जो सहायता, उन्होंने देखा कि ये उड़ रहा है बच्चा, जो हवा में उड़ रहा है और छत तक उनका सिर पहुंचा हुआ है। तो तब जाके उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि ऐसा मत कीजिए, ऐसे गिर जाएंगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे, ऐसे करके उन्होंने साधारण भाषा में बोला। लेकिन अर्थ क्या, ऐसे महापुरुष जो है वो सिद्ध संकल्प होते हैं, एक बार संकल्प लिया और वो पूरा होता है। कहां से आती है ये ताकत, ये संकल्प की शक्ति? हमारे और आपके भीतर भी प्रेजेंट है, हमारे और आपके भीतर भी प्रेजेंट है ये संकल्प की शक्ति। कैसे बढ़ाई जाती है संकल्प की शक्ति? श्वास भरें अपने पेट के अंदर, नाभि में पेट में श्वास को रोक लें, और उस समय बिल्कुल गहरा संकल्प लेके जो भी संकल्प मन में रिपीट करें, श्वास को अंदर रोक लें, जब श्वास बिल्कुल रुक जाए, आखिरी पॉइंट तक पहुंचे ना, उस समय संकल्प दोहराएं। जो भी संकल्प लेना चाहते हैं, जिस चीज से भी छुटकारा चाहते हैं, जो भी नई आदत अपनाना चाहते हैं, जो भी अफर्मेशन अपने भीतर डालना चाहते हैं, ये तरीका बता रहा हूं उसका, ये संकल्प सिद्ध करने की बात, कैसे संकल्प सिद्ध होते हैं। तो संकल्प लिया कि मैं उड़ूं, ऑफकोर्स उसके लिए एक योगी का शरीर चाहिए, कैसे देह समेत कोई उड़ सकता है, कैसे अपने प्राण तत्व वायु तत्व पर कंट्रोल किया जा सकता है, ये प्रभु की कृपा है। सहज ही कुछ 2-4 दिनों के अंदर अंदर जो है ना शरीर उड़ने लगे। संतों का इतना महान लेवल है, इतना दर्जा है। एक समय में श्री सतगुरुदेव भगवान जी को, ये मेरे हमारे हापू बाबा जी को, इनको शाहे विलायत कहा जाता था। शाहे विलायत मतलब वो शहनशाहों के शहनशाह है, इस हद तक कि एक बार जो वायसराय, अंग्रेज वायसराय जो है, जब उस समय इंडिया में राज था इनका, तो उस समय में उसने भी प्रभु को झुककर ऐसे नमस्कार किया, अपनी टोपी उठाकर उनके आगे चरणों में वंदन किया कि ये कोई इतनी महान हस्ती हैं जिनके जिनके स्वरूप को देख पाना मेरे लिए संभव नहीं है, देख मेरे लिए संभव नहीं है। तो कहने का अर्थ क्या, संत रूप में प्रभु ही अवतरित होते हैं, हम अपने गुरु महाराज जी की वंदना करते हैं, ऐसे ही हम प्रभु राम के चरणों में वंदन करते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, याद रखिए दिल में प्यार पैदा करना है, दिल में प्यार पैदा करना है, राइट। तो मैं प्रार्थना करूंगा, सबसे पहले रामचरितमानस का अध्ययन सभी जरूर करें, पढ़ें और मनन करें, कुछ बातें तो दिमाग में रटें, क्योंकि जब आप दूसरे धर्मों को कंपेयर करते हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दूसरे धर्मों को कंपेयर करते हो, उनको रटा रहा है बच्चे, बच्चे की जुबान पर जो है वो किताबें उनकी रटी होती हैं। क्यों हमने अपने बच्चों को कभी रामचरितमानस नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया, हमने अपनी परंपराओं से दूर फेंक दिया गया है। दुख आना चाहिए हमें, एक बार पुनः जीवित करने की जरूरत है, नहीं तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बात अस्तित्व पर आ गई है, बात आखिरी ये बच्चे हैं जो 80 करोड़ जितने भी हम हिंदू बच्चे हैं, आखिरी बच्चे हैं ये याद रखिएगा। अगर ये समाप्त तो फिर गया,
सब समाप्त। हालांकि बचेगा नहीं, ये बात बता दें, ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसे नहीं मिटने वाली, चिंता ना करें। लेकिन फिर भी बचाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। तो पहले धर्म की रक्षा के लिए उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, कुछ संत प्रयास कर रहे हैं, उनका सहयोग करें। मैं ज्यादा इससे विस्तार से नहीं बोल सकता, और अपने सद्गुरुदेव भगवान जी को मैं पुनः वंदन करता हूं, जिन्होंने साक्षात हमारे भीतर जो है रामत्व स्थापित किया। कौन आता है, कौन बताता है, इतनी गहराई से अंतर में जाकर जिन्होंने रोम रोम में राम का नाम रमा के दिखा दिया, और इस आत्मा को शुद्ध करके परम पवित्र बनाकर राम जैसा बना दिया। ये राम की महिमा है, याद रखना। और कैसे बताएं आपको कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, आपके हृदय में राम प्रकट हो रहे हैं, जरा देखिए सुनिए। हरि अनंत रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाए ना गाए। आपकी आत्मा की महिमा भी कोई नहीं जा सकता। राम राम को जानना, लेकिन केवल राम रूप में ऐसे नहीं जानना कि वो दशरथ के पुत्र, मैं उन राम की बात फिर मैं नहीं कर रहा हूं, फिर मैं वही कहूं, एक रात राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, मैं उस राम की बात कर रहा हूं जो घट में बैठा है, जो आपकी और मेरी आत्मा बनकर बैठे हैं, वो राम। एक राम का सगल पसारा, 100 और ब्रह्मांड के कण कण में जो व्याप्त है वो राम, और फिर एक राम इन सब तेने आराम। ये कौन सा राम जो सबके बीच में होकर भी वो अलग है, और सबके बीच में होकर भी वो राम जिसमें हम सब समाये हैं, इस समय सकल ब्रह्मांड के कण कण में जो स्थापित है, और उसके बावजूद भी वो सबसे अलग है, उस राम की बात हो रही है। बात कुछ कुछ पल्ले पड़ रही है, उसी को कहते हैं परब्रह्म। परब्रह्म गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु की महिमा इसलिए इतनी महान है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, उसी परम ब्रह्म की बात करें। ब्रह्म के अंदर सारी सृष्टि समाई है, लेकिन परम ब्रह्म उनसे भी अलग है। सृष्टि की कोई घटना उस पर ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती। ऐसी ऐसी अनेक सृष्टियां उससे पैदा होती हैं और उसमें विलीन हो जाती हैं, तब भी वो सबके सब पर ब्रह्म परमात्मा आपको अंदर प्रकट हुए हैं। याद रखना, कहानियां सुनने और बात है, लेकिन खुद राम हो जाना बिल्कुल और बात है। हमें राम होना है, उसी परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है हम, आप, मैं, सभी, वहां पहुंचना है। कैसे पहुंचना है, आई इस राम को ही ले लें, इस राम धुन को अपने अंतर में बसा लें, श्वासों के साथ रा, श्वास लेते हुए रा, छोड़ते हुए मां, राम राम राम। अब याद रखिए, तुलसीदास जी की वाणी याद दिला रहा हूं, वाल्मीकि, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्या जपा था उन्होंने, मरा बोलते हैं लोग, कहते हैं मरा जपा। ये मरा जपना आप इसको कैसे समझ लीजिए, मरा रा, राम रा। अब नीचे से उल्टा ले लो उसको, मरा, एक ही बात है, फर्क कुछ नहीं है। फर्क इस बात का है कि आपका ध्यान कहां पर है, फर्क किस बात का, आपका ध्यान कहाँ है, राम में है, मां में है, अपने आप में, आत्मा में है, या केवल शब्दों में है। आत्मा में अगर ध्यान पहुंचा तो आप ही राम हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वो ब्रह्म बन गए, ब्रह्म बन गए। फिर बात समझ में आती है, पर ब्रह्म क्या होता है। अब ये पार ब्रह्म परमेश्वर है, सदगुरु के रूप में आए हैं, बात कुछ बड़ी है, बात कुछ और भी बड़ी है जो इससे भी पार है। तो जरा समझना, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान को वंदन करते हैं, राइट, समझ में आ रही है बात। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, यहां पर समझे, नेति नेति जिहि वेद निरूपा, निजानिंद निरुपाद अनुपा, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजिहु जासु अंश ते नाना। ऐसे ही प्रभु सेवक बस अही, भक्त हेतु लीला तन गए ही। वही प्रभु, वही परब्रह्म परमात्मा, कौन कौन कौन, नेति नेति जिहि वेद निरूपा, वेद लिखते हैं नेति, वो परमात्मा ऐसा भी नहीं, वो ऐसा भी नहीं, वो ऐसा भी नहीं, जिसको वेद नेति नेति कहकर हार जाते हैं प्रभु,
हम आपका पार नहीं पा सकते, वही मेरी आत्मा है, वो आपकी आत्मा बनकर बैठे हुए हैं। तो राम श्वास श्वास में राम का नाम हृदय में बसा लेना, राम दिल में बस जाएंगे, पता चल जाएगा। तो ये है राम का रामत्व। कुछ कुछ बात पल्ले पड़ी होगी, कुछ तो समझ में आ गया, आया ही होगा, राइट। एक बार पुनः बता रहा हूं कि वही राम है जिनके बारे में भगवान शिव फरमा रहे हैं, जासु नाम जप सुनहु भवानी, लिखते हैं जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी, जिनका नाम सुनने मात्र से हे भवानी। भगवान शिव माँ भगवती को फरमा रहे हे माता भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी, ज्ञानी नर जो है जिनका नाम का जाप करने से सुनने से भव के बंधन कट जाते हैं। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु काराज लई कपही बंधावा, उसके दूत को कोई बांध सकता है जिनके ऊपर भरोसा, राम नाम के ऊपर भरोसा, हनुमान जी का विराट भरोसा, भारी भोजन को भारी भरोसा, भरोसा कैसा, तो कहते हैं उनके कोई बांध सकता है, हनुमान जी को बांध सकता है, उनका नाम जपने वाले हनुमान जी को। याद रखो किसकी बात हो रही है, हनुमान जी की बात हो रही है। किस वजह से बात हो रही है, उनको बांधने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, वो खुद ही प्रभु काराज लग कपही बंधावा, अपने आप को उन्होंने बंधवा लिया हो तो बात अलग, लेकिन बांधने की औकात नहीं है किसी की, बांधने की औकात नहीं है किसी की। सारे भव बंधन काटने वाले हैं, जासु नाम जप सुनो भवानी। मेरे सतगुरु दादा दीन दयाल जी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, हापू बाबा हमारे प्रभु, एक बार ये सुंदर उनका स्वरूप देखिए आप, कितना प्यारा स्वरूप मौजूद है, ये भी और ये भी उनके सुंदर वस्त्र जो पहनते थे आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं, आप दर्शन कर सकते हैं जाकर, और ये सुंदर खड़ा उनकी चरण पादुकाएं आज भी सुरक्षित रखी हुई है। उनका एक बार एक किस्सा बताता हूँ, बड़े सुंदर बड़ा प्यारा वो है। एक बार जयपुर के पास एक जगह आती है, इस साइड में राजस्थान में एक जगह आती है सवाई माधोपुर करके नाम से जगह है, नाम सुना होगा आपने, सवाई माधोपुर एक जगह का नाम है। तो सवाई माधोपुर में श्री सतगुरुदेव भगवान जी हमारे प्रथम पातशाही जी हापू बाबा जी एक स्थान पर जा रहे थे। अच्छा वहां पर ना एक एक गांव में कहीं रुके, पर वहां पर एक एक किला था, तो वहां के जिस सरपंच ने जो भी वहां के लोग जो थे जिन्होंने प्रभु को इनवाइट किया था, उन्होंने कहा कि हमारी आपसे निवेदन है कि रात को जो है ना ये जो किला है यहाँ पर ना बहुत ये आवाजें आती हैं, मतलब भूत प्रेतों की आवाजें आती हैं, हमें डर लगता है, तो आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु उस तरफ मत जाइएगा, आप हमारे आदरणीय पूजनीय हैं और उस तरफ हमारी वो जो उस रास्ते से भी नहीं गुजरे, आप अभी रुक जाएं और कल आप यहाँ से जाएं, से जाने का टाइम आया तो। अब भगवान तो सभी हमारे हमारे करुणा सागर भगवान आए ही जीवों को तराने के लिए हैं, ये बात है सवाई माधोपुर के आसपास की। तो वहां पर हमारे सदगुरुदेव भगवान जी ने कहा कि रुकोगे तुम वहीं पर, जहां पे समस्या है वहीं पर रुकेंगे, क्योंकि आए तो हम जीवों के कल्याण हेतु ही है। गुरुदेव ने कहा कि चलो हमें वहां ले चलो, और सदगुरुदेव भगवान जी वहां पर गए, उन्होंने अपने नौकर को साथ भेज दिया, नौकर को साथ भेज दिया और कहा कि इनको रास्ता दिखा दे। अब गुरुदेव वहां पर जाकर, वो भयानक किला बिल्कुल सुनसान वीरान किला पड़ा हुआ है, वो मैंने सुना है कि वो अभी भी किला यूं का यूं मौजूद है। तो वहां पर श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने अपनी चारपाई लगा ली और कहा कि हम यहीं पर रात को विश्राम करेंगे इसी जगह पर। तो उस जगह पर जो नौकर था, जो जो उनका सरपंच का जो भी नौकर था, उसने जो है रात को वो उन्होंने भेजा होगा उसको कि चलो दूध ले आ, रात को उनको भोग लगा के वो आराम कर लेंगे, तो तुम उन्हीं के तुम दूध देकर वापिस आ जाना, ऐसा करके उनको गुरुदेव के पास भेजा। गुरुदेव वहां विश्राम कर रहे हैं। अच्छा वहां पर गुरुदेव ने जैसे ही वो नौकर ने दूध दिया उनको, उन्होंने भोग लगाया स्वीकार किया, अब नौकर जब जाने लगा तो टाइम ज्यादा हो चुका था, तो गुरुदेव ने कहा कि तू यही रुक जा, रात को यही रुक जा। उसको डर तो लगे भैया कहाँ रुक जाए, यहाँ तो वीरान है बिल्कुल, तो लेकिन गुरुदेव ने कहा तो उन्हें हिम्मत करी और सो गया वो। जैसे ही गुरुदेव ऊपर चारपाई पर और ये नीचे चरणों में सो गया उनके, रात को वहां पर जो आतंक मचा और जैसे ही वो नौकर सोया, तो कहते रात को उसमें लिखा है कि रात को वो उसके ऊपर से जैसे कोई टपके गया हो, उसके कोई पैर छू के इधर से इधर निकला, फिर कोई इधर से इधर निकला, कोई भागदौड़ मची हुई है वहां पर, कोई आ रहा है कोई जा रहा है कुछ मची हुई है। ये बेचारे नौकर की सिट्टी पिट्टी गुम, भाई हो क्या रहा है,
और देखे तो इसको कभी यहां धक्का लगे, कभी वहां धक्का लगे, और बंदा नजर ना आए कोई भी। रात का टाइम बिल्कुल गुप्त अंधेरा, और थोड़ी बहुत दिया विया को जला रखा होगा कुछ थोड़ा बहुत। अब गुरुदेव विश्राम में, तो नौकर की तो बिल्कुल हालत खराब होगी, उसने गुरु चरणों में अब सिर रखा, प्रभु कृपा करो जरा आंखें खोलो, मेरी तो जान भी बंदी पड़ी है, यहाँ पर कुछ और ही नौटंकी हो रही है चारों तरफ। गुरु महाराज जी ने आंखें खोली और गुरु महाराज जी ने चारों तरफ देखा, सब लाइनों में लगे पड़े थे, सब लाइनों में लगे पड़े थे, मुक्ति 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 दो हे प्रभु, मुक्ति दो मुक्ति दो आवाज आ रही है वहां से। गुरु महाराज जी परम दयालु दाता, तारणहार, सारे जगत के कल्याण हेतु जो जग में अवतरित हुए, आए ही इसी काम हेतु हैं, आए ही इसी काम हेतु हैं। कृपा भरी, कुछ जल पानी भी लेकर आया था तो पानी लिया, और पानी का छिल अपने अपने पवित्र हृदय से निकाली वो वाणी, और लेके ऐसे जल के छींटे मारे, और वो सभी आत्मा वहां पर, एक नहीं वहां पर, वो सब उन्होंने प्रार्थना करी गुरु चरणों में कि हम कौन हो। गुरुदेव ने पूछा कौन हो आप, तो उन्होंने सबने प्रार्थना करी, प्रभु हम अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के, कोई कैदी है, कोई कैसे है, क्योंकि पूरा किला का किला ही ध्वस्त हो गया था, पूरा किला का किला ही दुश्मनों ने सबको मार डाला था जहां से थे, तो वहीं से तब से भटक भटके आ रहे हैं, कोई 150-200 साल पुरानी बातें हैं ये, तब से वो किला ऐसे लटका हुआ था, और वो वहां पर वो था। गुरुदेव ने वहां चरण छुआए और वहां की सारी आत्माओं को मुक्ति दी। उसी वक्त श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने अपने कर कमलों से जल जो है ना छिड़का, और तब जाके वो आत्माएं वहां से शुद्ध होकर मुक्त होकर वहां पे गई। और गुरु महाराज ने कहा आज से ये जो जगह है आप किसी को तंग नहीं करोगे, आप सभी मुक्त होकर जाओ अपने धाम में, ये गुरु महाराज जी की कृपा है नहीं जगतारणहार और कैसे होते हैं, तभी तो उनकी आरती में गाते हैं ओम जय श्री जगतारण, स्वामी जय श्री जगतारण, शुभ मग के उपदेशक यम त्रास निवारण, शुभ रास्ता दिखाने वाले, यम के त्रास मिटाने वाले, और राम कैसे होते हैं, और राम कैसे होते हैं। तो हृदय में धारण करें ऐसे गुरु की कृपा को, हमारे अंतर में भी भगवान प्रकट हो पाए, तो ये कृपा है, ये आनंद है, फील करें अपने भीतर, रोम रोम में बसेंगे, उन्हीं को बसा रहे हैं दिल में, फर्क थोड़ी है, संतों के रूप में उन्हीं को तो प्रभु वंदन कर रहे हैं, उन्हीं को तो वंदन कर, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसो धन जैसे, जैसे एक लोभी के हृदय में भगवान कहते हैं जो 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 प्यारा है परमात्मा को, गुरु को प्यारा है, मतलब उनके हृदय में परमात्मा ऐसे बसते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, लोभी के हृदय में धन बसता है। तो हमें इसी प्रकार प्रभु के चरणों में अपना प्यार बढ़ाना है, और हमें अपने भीतर रामत्व प्रकट करना है, राइट, अपने भीतर रामत्व प्रकट करना है। जा सुनाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी, तासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लग कपही बंधावा। ये है सुंदर वाणी, याद रखने लायक, यही में है रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। देखना जरा, यही में है रघुपति राम उदारा, नाम उदारा, रामचरित मानस में श्री रघुनाथ जी का नाम उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। भगवान शिव सदा उस नाम का जाप करते हैं, कहते मैं सदा उसके नाम का ही जाप करता रहता हूँ लगातार, मंगल भवन वो अमंगल हारी है, वो राम हमारे हृदय में बस जाए, याद रखना। यही मही रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। उस नाम को जिसने हृदय में बसा लिया, वही याद रखिए, उसी नाम को हृदय में बसाना, रोम रोम में बस जाए, राम 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 राम, जपते जपते राम ही हो जाए। और लास्ट में जो बोला जाता है राम नाम सत्य है, अभी बोल दे राम नाम सत्य है, अभी से बोल दे, बाद का किसने उधार रखी, होए के नहीं होए सत्य, आप सुनने लायक ही बचे के नहीं बचे, क्योंकि तब तक आप कहाँ बचेंगे, तब तक कहाँ बचेंगे, तब तो आप किसी के कंधे पर सवार होंगे, तब कौन कहेगा राम नाम सत्य, अभी कह दें, इससे पहले कि कोई और आपकी अर्थी को उठा के बोले राम नाम सत्य, मैं ही बोले देता हूं अपनी अर्थी उठाने से पहले, राम नाम ही सत्य है, परम सत्य है, उसी नाम का जाप करके अभी से अपनी आत्मा का कल्याण कर लें, किसी मृत्यु का मुख नहीं देखना पड़ेगा। बेशक शरीर मरेंगे, देह मरेगी, मन मरेगा, विचार मरेंगे, अंतःकरण मरेंगे, लेकिन मैं नहीं मरता, मैं वो जो शुद्ध मैं है वो ना कभी मरी है, जिसके हृदय में राम बसे हैं वो कभी मर सकते नहीं, ना कभी मरे हैं, ना वो मरे ना छाड़े जाएं,
जिनके राम बसत ही माहे, ना वो मरे ना ठागे जाएं, ना उनको वो मरते हैं ना उनको कोई ठग सकता है, जिनके राम बसे ही माहे, जिनके हृदय में राम बसे हैं उनको कोई ठग नहीं सकता, उनको कोई मार नहीं सकता। संसार बेशक बेशक जो है लगता रहे कि जीतता है संसार, लेकिन जो प्यारे हैं अपने प्रभु के, वो अपने आप को कुर्बान करके भी हमेशा उसके नाम में लीन रहते हैं, अपना तो कल्याण कर ही जाते हैं, अनेक अनेक आत्माओं का शुद्ध कल्याण करके इस धरती से जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये है राम से बड़ा राम का नाम, जिसको हमने शुरू से लेकर चले हैं, उनका उनका नाम जपते हुए। आखिरी बात जो रामचरितमानस की है याद दिला रहा हूं, क्या फरमाते हैं यहाँ पर, कहते हैं कमल करम नास जल सुरसरी परही, तेहु को कहू शीश न धरही, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये वही उल्टा नाम है। उल्टा नाम का मतलब पता है आपको, अजपा जाप करना। ये उल्टा तो तभी हो पाएगा ना, जब रा किया उसको आप उल्टा नाम बोल लो, कोई फर्क है? बात समझ में आ रही है? उल्टा नाम का मतलब मरा 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 शब्दों से नहीं जपा, श्वासों से जपा, मरा मरा, तो राम अपने आप हो गया, अलग थोड़ी है। करमनास का जल कहा जाता है कि अशुद्ध से अशुद्ध जल भी यदि गंगा में पड़ जाए, गंगा में पड़ जाए तो गंगा के जल को तो हम ओम गंगाए नमः पम पवित्राय गंगाए रिंग नमः करके हम सिर पे लगाते हैं ना, तो कहा इसी प्रकार अगर एक आत्मा भी प्रभु के नाम का जाप करके उसमें लीन हो जाए तो उसकी भी ऐसी ही जय जयकार हो जाएगी। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ऐसे ही वो ब्रह्म के समान हो जाएंगे, हम भी हो जाएं, अभी मौका है, राम राम जपते जपते राम ही हो जाएं, राम ही हो जाएं। इसी प्रकार अनुचित उचित काज कछु होई, समझ करिए भल कहे ना कहे सब कोई, सहसा कर पाचे पछताए, कहे वेद बुद्धि ते बुद्ध नाही। मतलब याद रखिए कि जब जब कोई काम बिना विचारे किया जाता है तो हमेशा नुकसानदायक होता है। अभी के लिए इतना ही, बात समझ में आ गई? ऐसे ही हम अपने सद्गुरुदेव भगवान जी के सुंदर चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी हे प्रभु प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ दीजिए, हम केवल शब्दों से नहीं अपनी आत्मा में अनुभव कर पाए परमात्मा के नाम को। तो जरा श्वास श्वास में सिमरण को बसा लेंगे, आइए राम नाम का जाप जो है श्वासों के साथ करते हैं बड़े प्यार से। तो जरा थोड़ा सा ध्यान दो ना, दोनों आईब्रोज के बीच में लगाएं, यहाँ पर ऐसे सीधे बैठेंगे, कमर सीधी रखें, कुछ देर के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। केवल शब्दों तक सीमित ना रह जाना, एक्शन में आना। एक्शन में गुरुदेव की आज्ञा है, हर सत्संग का अंत जो है मेडिटेशन से होना चाहिए, बात अंत जाके मेडिटेशन में उतरनी चाहिए। तो केवल शब्दों तक सीमित मत रह जाना कि हाँ ठीक है बहुत सुन लिया मजा आ गया मजा आ गया। सो नहीं, मजा नहीं आया, अभी मजा अब आने का है। वो सारी कहानी थी यहां तक लाने के लिए, अब यहां से एक्चुअल मजा शुरू होगा, आनंद शुरू होगा। तो यहां श्वास श्वास में सिमरन शुरू करना है, श्वास श्वास में नाम का जाप करना है। इसी राम के जाप से हम अपने आत्मा का कल्याण करते हैं। तो राम 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 श्वासों में जपना है, आत्मा का कल्याण करने वाले उस प्यारे प्रभु राम का हम जाप जाप करते हैं और अपने अंतर में पर उनको कल्याण कर उनके नाम को बसाते हैं बड़े प्यार से। तो चलिए मैं यहाँ पर एक मंत्र और भी दूंगा आपको, ये बड़ा सुंदर बड़ा पवित्र नाम है, एक तो राम है ही सही, एक ये मंत्र भी साथ में जपते हैं, ओम राम रामाय नमः, सब तरह की विपदा को हरने वाला मंत्र है। एक तो आपको मैंने पहले बताया दीन दयाल विरद संभारी, ये महाशक्तिशाली मंत्र है, याद रखना ये शक्तिशाली मंत्र है, ये दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। ये चौपाई इतनी ही लाइन को 108 बार डेली दोहराइए और जब जब कोई ऐसी भारी भरकम मुसीबत पड़े, हरो नाथ मम संकट भारी, भाव पूर्वक प्यार से ऐसी भाव करने से, हे प्रभु मेरे विरद की संभाल करो। ऐसे ही दूसरा जो है ओम राम रामाय नमः, अब मैं इसकी जाप करवाता हूं थोड़ा सा। और एक और मंत्र है, वो है ओम जानकी वल्लभाय स्वाहा, गजब का मंत्र है ये, माता जानकी और भगवान राम का एक साथ मंत्र का जाप करके दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला और समस्त नकारात्मकता को दूर करने वाला, जहां स्वाहा आ गया ना
वहां वो नेगेटिविटी को जलाने वाला मंत्र बन जाता है, ओम जानकी वल्लभाय स्वाहा। हम इसी का जाप करेंगे, सभी एक एक करके मंत्रों का जाप करेंगे। तो सबसे पहले दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। प्यार से प्रार्थना करें अपने माते के बीच में, जहां आपकी श्रद्धा हो प्रभु राम का ध्यान करना चाहें उनका करें, नहीं तो अपने इष्ट गुरु भगवान का ध्यान करें, क्योंकि वो रोम रोम में रम रहे हैं। हम केवल दशरथ पुत्र राम की बात नहीं कर रहे हैं, हम रोम रोम में रमने वाले राम की बात करें। तो जरा अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, ध्यान को थोड़ा ऊपर उठा लें और बड़े प्यार से इसी प्रकार राम के नाम का जाप अपनी आत्मा में बसाएंगे। जरा ध्यान देंगे। आइए राम नाम का जाप अपने अंतर में बसाते हैं। सांस गहरी लंबी और गहरी, साथ में राम का नाम जोड़ दें, राम राम राम। श्वास श्वास में राम का नाम जोड़ दें बड़े प्यार से, राम राम करेंगे ऐसे ही श्वास के साथ साथ जपते जाएं, श्वास के साथ साथ नाम को हृदय में बसाएं बड़े प्यार से, बड़े प्यार से इसी प्रकार श्वासों के साथ नाम का जाप, राम राम।
उनको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है मैं राम कह रहा हूँ लेकिन राम का इशारा वही है, याद रखिए जो गुरु ने दिया वो सर्वोपर है, सर्वोपरि है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, अगर कुछ कहूं तो बात समझ लेना, गुरु का नाम सबसे उत्तम सर्वोत्तम जो आपको दिया गया है वो गुप्त मंत्र, उसी का जाप करें, सब कुछ उसमें समा गया है, आखिरी चीज है वो आखिरी।
धन्यवाद करते हैं। सत्र को यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं उनको वो अपार शांति व आनंद जो देना चाहते थे वो जरूर मिला होगा। जो भी पाया गुरुदेव की कृपा से पाया, हम श्री सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में भी, भगवान राम के पावन चरणों में भी प्रेम पूर्वक धन्यवाद अदा करते हैं। प्रभु आपकी कृपा से ये जो सुख पाया है, जो आनंद पाया अपने भीतर के राम को जानने का, छोटा सा प्रयास हमने किया, इसके लिए हम जरूर आपका शुक्रिया अदा करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं ऐसे ही आपकी कृपा हम पर बनी रहे। ही दीन दयाल आपकी कृपा से हमारे सभी जो कारज हैं वो बन जाएं, हमारे दुख दूर हो सकें। दीन दयाल विरद संभारी, हरव नाथ मम संकट भारी। मेरे दुख दूर करना प्रभु, मन को शांति देना, आनंद देना। हे दुख भंजन, हे सुखदाता, सारे संसार को आनंद दे रहे हो, मेरी मन मेरी आत्मा को भी आनंद देना। मैं अपनी आत्मा को जान सकूं, इस धरती पर आने का मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज पूरा हो सके। ये बेहद जरूरी है याद रखना, इस धरती पर आने का हमारा फर्ज पूरा हो सके, इस संसार से आवागमन मुक्ति हो सके। बस इसके बिना, इस काम को पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाना। याद रखना, गुरु महाराज जी ने, परमात्मा ने समस्त अपॉर्चुनिटी दे दी है, सारी अपॉर्चुनिटी दे दी है, और अब जो केवल एकमात्र चीज की जरूरत है वो हमारे प्रयास की है। सारे के सारे प्रयास, सारे के सारे चीजें हमारे साथ मौजूद हैं इस भव सागर से पार कराने के लिए। सतगुरु का प्यारा नाम, गुरु महाराज जी जो है ना, वो नाविक बनकर खड़े हुए हैं, नाम की नौका बना दी है उन्होंने, नाविक खुद सवार हैं उसके ऊपर, इशारा कर रहे हैं कि आत्मा का कल्याण करने के लिए राम नाम के नैया, सतगुरु जो है वहां पर मल्लाह बनकर खड़े हैं और कहते हैं कि मेरी नैया में बैठो, तुम्हें भवसागर से पार कर दूं। करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा प्रयास अब हमें करना पड़ेगा, श्वास श्वास में परमात्मा का नाम जप के अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने के अंत का यही श्वास ही होए। हर रोज सुबह ये प्रयास किया जाता है, ये मत सोचे कि हम यहाँ पहली बार कर रहे हैं। हर रोज सुबह 3:30 बजे से हमारे तो अलख निरंजन चालू हो जाता है। अब आप उठे ना उठे आपकी मर्जी है, तो सुबह 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30 जूम पर ये लिंक बना रहता है। जो लोग यूट्यूब पे भी हैं, हमारे वीडियो के नीचे ही लिंक दिया हुआ है जूम का, आप सुबह 3:30 से बैठ सकते हैं, 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30, शाम को 5 से 6 हर रोज होता है। तो प्लीज जुड़े, सभी से निवेदन है, बात केवल इतनी सी सीमित ना रखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी से भी निवेदन है, ये दूसरा चैनल है, ये भक्ति चैनल है, बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ के जो मटेरियल है बिल्कुल डिफरेंट है। मेन चैनल पे हमें सब कुछ आम लोगों के हिसाब से डालना पड़ता है, लेकिन यहाँ सब कुछ वो है जो हम देना चाहते हैं लोगों को, ये वो असली घी है जो भक्ति चैनल पर डाला गया है। तो प्लीज इसको जरूर कनेक्ट कर लें, सब्सक्राइब कर लें। नीचे लिंक दिया हुआ है, वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दें। उम्मीद करते हैं जरूर उस परम आनंद, उस परम शांति को पाया होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो औरों को भी जरूर फॉरवर्ड करें। जो लोग यहाँ जूम पर बैठे हैं ये क्लिक करके वहां पर जा सकते हैं, एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सत्र को यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद आया है, समझ में आया कुछ? इस तरीके से रामनवमी मनाई है कभी? कुछ अलग ही करने का इरादा है, हम यहाँ पर आएंगे तो कुछ तो डिफरेंट करेंगे सही ना। हर बार परंपराएं बदलती हैं, बताने वाले बदल जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं, सिस्टम बदल जाता है, हर बार ये बहुरूपिया भेष बदल बदल के फिर आता है, हर बार आना ही पड़ता है अलग अलग तरीकों में, अलग अलग रूपों में। बात समझ में आ गई है कुछ? ये पहले भी आए हुए हैं, इससे पहले भी, कोई ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर, ये खेल बार बार चलता रहता है ऐसी। ठीक है, रूप वो नहीं समझ में आएगा, बदल जाएगा, हर बार कुछ अलग होगा, सबके पल्ले नहीं पड़ेगा, अगली बार कुछ और होने वाला है। अभी जो हुआ वो कुछ और हुआ, आगे कुछ और होने वाला है, जरा समझ लेना। सब रूपों में वो बैठा हुआ है एक ही रूप में, तो अपने हृदय में परमात्मा को बसाकर अपना कल्याण कर लें। वो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी आत्मा का उद्धार हो जाए, बस वो टास्क पूरा हो जाए जिसके लिए धरती पर आए हैं। तो सभी से निवेदन है, अब कोई लटक मत जाना, इस बार कोई लटका तो फिर देख लेना, फिर वो जो है ना खूब मार पड़ने वाली है,
इस बार तो पिछली बार तो जैसे तैसे करके छूट गए थे, अब इस बार नहीं, अब की बार भव सागर से पार, इधर बिल्कुल क्लियर कट करके निकल जाना यहाँ से। बहुत होली है, सारी चीजें यूं की यूं होती रहेगी, लेकिन हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, धरती जो है ना सब चलता रहेगा, ऐसे ही तमाशे होते रहेंगे और दिनों दिन हालत खराब ही होती जा रही है। याद रखिएगा आगे चीजें और बिगड़ने वाली हैं, बहुत बिगड़ने वाली हैं, तृतीय महायुद्ध जैसी अवस्था आने वाली है। बता दें आपको कोई दूरी नहीं है, बहुत टफ टाइम दिख रहा है आगे, बहुत ज्यादा 2028-29 तक एक मेजर 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 हिस्सा पॉपुलेशन का समाप्त हो जाएगा, मेजर हिस्सा, छोटी बात नहीं है ये। तो इसलिए अपनी आत्मा को कल्याण कर लो ताकि इस आवागमन से छुटकारा ही हो जाए, तब अभी 2028 दूर है, उससे पहले ही आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, आत्मा का कल्याण हो जाए, मुक्त हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। बात समझ में आ गई होगी, थोड़े को ज्यादा समझना, अभी सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। थैंक यू, बोलो जयकारा बोल मेरे।